वर्ल्ड अप्लास्टिक एनीमिया डे के अवसर पर इंदौर के विजयनगर स्थित निजी होटल में निशुल्क अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस शिविर बीते दिन आयोजित हुआ, जहां सांसद सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। इंदौर के अमर विलास होटल में इस दौरान जहां कई डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया, तो वहीं चिकित्सकों ने अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर ने बीमारी से बचने के उपचार भी बताए। आयुष मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी तथा एडवांस होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा यह सेमिनार आयोजित हुआ, जहां डॉक्टर ए के द्विवेदी, डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, डॉक्टर सुबीर जैन, डॉक्टर अमित मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। जन जागरण रैली के रूप में एक रथ प्रारंभ किया था डॉक्टर द्विवेदी जी क्लिनिक से, और ये एक प्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है। एनीमिया तो हमने सुना था कि ब्लड की कमी होती है, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसमें इतनी बीमारियों से जिसको होती है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटिनेट कम हो जाते हैं, और जीने और मरने का संघर्ष उनके बीच में रहता है। और वास्तव में जिन गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को होता है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमने आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, बालिकाओं से मिले, जिन्होंने आयुर्वेदिक में डॉक्टर द्विवेदी जी का इलाज किया, और जो इनका हीमोग्लोबिन 3.5 था आज 10 से ज़्यादा है। प्लेटिनेट 10,000 थे, आज 1,00,000 से ऊपर हैं। तो वास्तव में इस माध्यम से भी प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है, और उसका जन जागरण पिछले दिन किया, उसका समापन है, पुरस्कार भी बांटे गए। मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए। चुनाव की नज़दीकियाँ आ रही है,